नगर निगम के द्वारा राप्ती नदी के किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए बने कृत्रिम तालाबों की साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके संबंध में जोनल अधिकारी नरगेश्वर पांडे ने बताया कि यहां पर मंगलवार से ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था, जिसके लिए दो तालाब बनाए गए हैं, लेकिन मंगलवार को जो मूर्तियां आईं वो एक ही तालाब में विसर्जित हुई हैं, जिसमें लगभग 250 मूर्तियां विसर्जित की गई हैं। अब जो शेष मूर्तियां बची हैं वो विसर्जित होंगी। हम लोग तालाब में जो मूर्तियां थी उसको सफाई करवाए रहे हैं, जिससे कि मूर्ति विसर्जन करने वाले नागरिकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जोनल अधिकारी नरगेश्वर पांडे ने कहा, देखिए हमारा माता लक्ष्मी जी की मूर्तियों के विसर्जन के लिए दो तालाब तैयार हैं, लेकिन कल जो मूर्तियां आई हैं वो एक ही तालाब में ज़्यादा प्रवाहित की गई हैं, और कल लगभग 250 से 300 के बीच में मूर्तियां विसर्जित हुई हैं। अब आज जो शेष मूर्तियां बची हैं आज विसर्जित होंगे। हम लोग तालाब का पूरा सफाई करा करके और फिर से उसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो मूर्ति विसर्जन अधिकतर जो है शाम को रात में ही होता है। सुरक्षा की दृष्टिगत जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरा चौकन्ना है। इसके अलावा हम लोग बैरिकेडिंग कर रखे हैं और मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए प्लेटफार्म बनाए हुए हैं जो काफ़ी मजबूत है। उसी प्लेटफार्म से मूर्तियों को तालाब में प्रवाहित किया जाता है। सर नाम? नरदेश्वर पांडे, जोनल अधिकारी।